वीडियो शुरू होने से पहले ये चार चित्र ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि ये सभी स्थान प्रयागराज के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कालखंड में होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। संगम क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर विशाल पत्थरों से बना अकबर का किला आपने अवश्य देखा होगा, किंतु इस किले का इतिहास इतना विवादित और रहस्यों से भरा है कि आज भी इसे लेकर इतिहासकारों में गहरा मतभेद है। 100 साल पुराने अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित इलाहाबाद के जेठियर का गहराई से अवलोकन करने के बाद ऐसे बहुत सारे नए एवं विचित्र तथ्य सामने आए जिसे जानकर आप निश्चय ही हैरान हो जाएंगे। क्या कभी आपने इस पर विचार किया है कि अकबर ने आखिर इसी स्थान पर इस किले के निर्माण के बारे में क्यों सोचा? इसका उत्तर जानकर आपको आश्चर्य भी होगा और दुख भी। आज से 1377 साल पहले अर्थात 644 ईस्वी में एक बौद्ध भिक्षु चीनी यात्री वेन सोंग भारत भ्रमण करते हुए राजा हर्षवर्धन के कालखंड में व्यापार एवं धर्म के लिए आयोजित संसार के सबसे विशाल मेले कुंभ का अवलोकन करने हेतु गंगा नदी के मार्ग से संगम क्षेत्र तक पहुंचा। यात्रा के अनुभवों को उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में विस्तार पूर्वक लिखा है, जिसमें एक ऐसे कुंप का वर्णन है जो नर कंकालों से भरा हुआ था। तो आखिर आज की तारीख में वो कूप कहां पर है और क्या है उसमें नर कंकाल होने का रहस्य? पुराणों के अनुसार संगम क्षेत्र पर एक विशालकाय अक्षयवट नामक वृक्ष था जो आज भी है। रामायण के अनुसार गंगा को पार करने के बाद श्रीराम अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ संगम स्नान के उपरांत एक रात अक्षयवट के नीचे व्यतीत किया। यहीं पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। कालांतर में वह शिवलिंग भूमि में समा गया और उसी जगह गहरे कूप का निर्माण हुआ। यह कूप पाताल लोक से प्रवाहित सरस्वती नदी के नीर से जलमग्न हो उठा। इसी जलाशय को अकबर ने पत्थरों से पटवाकर पातालपुरी मंदिर का निर्माण करवाया। पर प्रश्न यह है कि एक मुस्लिम होकर हिंदुओं के लिए पातालपुरी मंदिर का निर्माण आखिर अकबर ने किस भावना के वशीभूत होकर करवाया, और क्या चीनी यात्री वेन सोंग ने जिन मानव कंकालों के होने की बात कही थी वह इसी कूप में पाए गए थे? इसका उत्तर बड़ा ही रोचक है। कालांतर में इस गहरे जलाशय को कामकूप के नाम से जाना गया, जिसके बारे में स्थानीय लोगों में यह मान्यता प्रचलित हुई कि कूप में संग्रहित सरस्वती के जल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मान्यता ने इतना व्यापक रूप लिया कि यदा कदा लोग अक्षयवट की डालियों पर चढ़कर इस कूप में छलांग लगाकर मोक्ष पाने हेतु आत्महत्या करने लगे। हालांकि राजा हर्षवर्धन ने इसे रोकने का प्रयास किया था, किंतु उसके बावजूद ये आत्महत्या करने का सार्वजनिक स्थान बन चुका था। 1583 में अपनी यात्रा के दौरान जब अकबर इस स्थान पर पहुंचा तो उसने इस कूप का निरीक्षण किया जो मानव कंकालों से भरा हुआ था। उस समय यहाँ के स्थानीय पुजारी ने अकबर की जन्म कुंडली के माध्यम से यह बतलाया कि पिछले जन्म में आप इसी वृक्ष के नीचे मुकुंद ब्रह्मचारी नामक एक तपस्वी थे। भूल से आपने दूध में गाय का बाल निगल लिया था। चूंकि गाय हिंदुओं में पूजनीय मानी जाती है, अतः इस पाप से मुक्त होने के लिए आपने इसी कूप में कूद कर मोक्ष प्राप्त किया था। राम स्वरूप आप सम्राट के रूप में जन्म लेकर वापस आए हैं, क्योंकि पिछले जन्म में आप एक प्रयागवासी थे, अतः आपका भाग्य पुनः आपको यहाँ पर खींच लाया है। एक राजा के रूप में अब आपका उत्तरदायित्व है कि अक्षयवट वृक्ष के नीचे इस कूप पर 44 देवताओं वाले मंदिर की स्थापना करें, ताकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग अपने जीवन की बलि न दें, बल्कि उस मंदिर में दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। साथ इस मंदिर के निर्माण से आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, हर युद्ध में आपकी विजय होगी। यही वह घटना थी जिसने अकबर को पातालपुरी मंदिर के निर्माण के लिए प्रेरित किया। मंदिर के निर्माण के अलावा अकबर ने यहाँ पर सैनिक छावनी बनाने के लिए 4 किलों के निर्माण की विस्तृत योजना बनाई, लेकिन यमुना नदी के घटते बढ़ते जल प्रवाह से इतना विलंब हुआ कि 20,000 मजदूरों के सीमित श्रम के बावजूद इसका निर्माण कार्य 45 साल 5 महीने 10 दिनों तक चला। उस समय इसको बनाने में 6,17,20,224 रुपए की धनराशि खर्च हुई थी। 27 अक्टूबर 1605 जब अकबर की मृत्यु हुई तब भी यह किला निर्माणाधीन था और 4 किलो में से मात्र एक ही भाग बनकर तैयार हो पाया था।
अंग्रेजों के साथ बक्सर के युद्ध में हारने के बाद सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को अपने नियंत्रण में लेना प्रारंभ कर दिया। संधि के बाद अंग्रेजी सेना द्वारा इलाहाबाद के किले पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन किले की रखरखाव का खर्च इतना अधिक था कि उन्होंने चालाकी से 2 साल बाद ही 50 लाख रुपए में अवध के नवाब शुजाउद्दौला को यह बेच दिया। उसके बाद उनके पर पोते शहादत अली खान द्वितीय ने आर्थिक तंगी के चलते 1798 में यह किला दोबारा अंग्रेजों को दे दिया। शीघ्र ही अंग्रेजों ने इस किले को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने हेतु छावनी में बदलकर यहां पर सुरक्षा एवं युद्ध से जुड़े सभी आयुध संग्रहित कर दिए। भारत की आजादी के बाद वर्तमान में भी भारतीय सेना इस किले को छावनी के रूप में ही प्रयोग करती है। मात्र अक्षयवट एवं पातालपुरी मंदिर के दर्शनों के लिए किले का बाहरी हिस्सा पर्यटकों के लिए खोला गया है। दूसरा बड़ा प्रश्न, इतने विशाल किले के निर्माण के लिए पत्थर कहां से लाए गए? निश्चय ही इतने भीमकाय किले के निर्माण हेतु विशाल स्तर पर पत्थरों को काटकर यमुना नदी के मार्ग से संगम क्षेत्र तक लाना पड़ा होगा। मिर्जापुर की तरफ भी पथरीले चट्टान पाए जाते हैं जिनके द्वारा चुनार के किले का निर्माण किया गया था, किंतु यमुना की उल्टी धारा में भारी भरकम पत्थरों को नाव से ले आना बोझिल काम है। इसके विपरीत शंकरगढ़ की ओर से पत्थरों को यमुना की धारा के साथ कम परिश्रम से शीघ्र लाया जा सकता था। अब प्रश्न यह है कि वो स्थान कहाँ है जहां से इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी अधिक मात्रा में काटकर निर्माण स्थल तक लाए गए। यदि आप अकबर के किले से नाव द्वारा यमुना की विपरीत धारा में यात्रा करें तो 18 किलोमीटर बाद भीटा से सटे देवरिया गांव में यमुना नदी के मध्य 60 फीट ऊंचे पत्थरों पर एक विलक्षण मंदिर दिखाई पड़ता है। स्थानीय लोग इन्हें सुजाव देवता के नाम से पूछते हैं। सबसे विचित्र प्रश्न ये है कि ये रचना किसी इंसान द्वारा की गई है या प्रकृति ने इसे खुद तराशा है। तथ्यों के विश्लेषण से ऐसा ज्ञात होता है कि आज से 400 साल पहले यानी अकबर के किले के निर्माण से पूर्व यह पूरा स्थान बड़े बड़े चट्टानों से भरा हुआ था। इन्हीं चट्टानों के ऊपर हजारों वर्ष प्राचीन एक ऐसा मंदिर था जिसके बारे में यह मान्यता थी कि यमुना को पार करके चित्रकूट जाते समय श्री राम ने यहां पर शिवलिंग का निर्माण किया था। अपनी यात्रा के दौरान राम, लक्ष्मण एवं सीता ने हर उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की जहां पर उन्होंने एक रात्रि विश्राम किया था। इस मंदिर के आसपास एक प्राचीन सभ्यता निवास करती थी जिनकी आस्था इस मंदिर के प्रति बहुत गहरी थी। आज भी उस सभ्यता के वंशज भीटा से सटे देवरिया गांव में मौजूद हैं, जो यमुना में नाव चलाकर जीवन यापन करते हैं। इन्हीं के पूर्वजों को किले के निर्माण हेतु पत्थरों को लाने का कार्य सौंपा गया। धीरे धीरे जब किले के निर्माण के लिए यहां से पत्थरों का कटाव शुरू हुआ तो मंदिर के आसपास के हिस्से को छोड़ दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुजाउन देवता के इस विलक्षण मंदिर का यह अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। इसी पहाड़ी के नीचे एक सीता रसोई का भी वर्णन प्राप्त होता है जो अब यमुना नदी के नीचे समा गया है। कहा जाता है कि जब इस पहाड़ी पर राम, लक्ष्मण, सीता रात के समय विश्राम कर रहे थे तो एक यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा, जिसके कारण उन्हें यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक अन्य पहाड़ी में प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफा में शरण लेनी पड़ी। बाद में इस घटना को एक पौराणिक कथा के रूप में चित्रित किया गया। कथा के अनुसार उस रात यमराज स्वयं अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए आए थे, किंतु राम द्वारा स्थापित शिवलिंग को देखकर वह प्रसन्न हो गए और उन्होंने यमुना को यह वरदान दिया कि जो भी भाई अपनी बहन के साथ इस शिवलिंग पर सच्चे भाव से आराधना करेगा उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। तब से यह कथा इतनी प्रचलित हुई कि नवंबर में आयोजित होने वाले भाई दूज के अवसर पर 3 दिनों का विशाल स्थानीय मेला लगता है। जिस गुफा में राम ने शरण ली थी उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में प्रमाणित किया गया है। प्राचीन गुफा की दीवारों पर मौजूद कार्बनिक पदार्थों के परीक्षण से आयु की गणना लगभग 7000 वर्ष पूर्व आंकी गई है, अर्थात 7000 साल पहले इस गुफा में मनुष्यों के रहने के संकेत प्राप्त हुए हैं। स्थानीय लोग इस टीले को सीता रसोई के नाम से पूछते हैं। आस्था को केंद्रित करने के लिए यहाँ पर रहने वाले लोगों द्वारा टीले के ऊपर सीता जी की प्रतिमा
उनके चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। यहां से 1.5 किलोमीटर दूर भेटा नामक गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मंदिर के आसपास रहने वाली प्राचीन विकसित सभ्यता के गहरे अवशेषों को चिन्हित एवं संरक्षित कर लिया गया है। 1909 से 1910 के बीच अंग्रेज मार्शल ने रेलवे पुल के निर्माण के लिए पत्थरों की खोज में जब इस ऊंचे टीले की खुदाई करवाई तो उन्हें ईंटों की विशेष संरचनाएं प्राप्त हुई। व्यापक रूप से जब यहां पर खुदाई हुई तो मिट्टी के कई अलंकृत बर्तन प्राप्त हुए, जिन पर महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम के नाटक के कुछ दृश्य अंकित थे। इस आधार पर कालिदास के जन्म का समय आज से 2200 या 2300 साल पहले का आंका जा सकता है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100-200 साल पहले। चूंकि खुदाई में यहां से बुद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी, अतः ये सभ्यता कम से कम 2400 साल पुरानी मानी जा सकती है। तो जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर पातालपुरी मंदिर 400 वर्ष प्राचीन, अकबर का किला 400 वर्ष प्राचीन, सुजाउन देव मंदिर वर्तमान स्वरूप 400 वर्ष प्राचीन, भेटा की सभ्यता 2400 वर्ष प्राचीन, सीता रसोई गुफा 7000 वर्ष प्राचीन। मेरा कार्य अब समाप्त होता है और आपका प्रारंभ। वीडियो को लाइक करना अक्सर हम भूल जाते हैं, तो YouTube ने कहा है कि अपने दर्शकों को बार बार याद दिलाते रहिए ताकि YouTube को यह तय करने में आसानी हो कि कौन सा वीडियो अच्छा है। इतिहास को अगर जीवित रखना है तो अपने मित्रों के साथ साझा करने से ही इसका विस्तार होगा। और आखिर में जाते जाते इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य लिखिए। आपके कमेंट से मुझे ये जानने में सहायता मिलती है कि मेरा परिश्रम कितना सार्थक रहा। मैं हूं आपका सारथी पीके सिंह और आप जिस ज्ञान रथ पर सवार हैं उसका नाम है। जो समय आपने इस वीडियो पर बिताया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।